कोटा नागरिक सहकारी बैंक के 98वें वार्षिक अधिवेशन में मंच पे विराजे सभी अतिथिगण, बैंक के सभी माननीय संचालक मंडल के सदस्यगण, बैंक के सभी माननीय सदस्यगण, प्रबुद्ध जन भाइयों और बहनों, नमस्कार। कोटा नागरी सहकारी बैंक का आज 98वां वार्षिक अधिवेशन है। एक छोटा सा पौधा 62 साल पहले इस बैंक की स्थापना के साथ शुरुआत हुई थी और आज राजस्थान में सबसे बड़ी संख्या के आधार पर 62,000 से ज्यादा सदस्य नागरिक सहकारी बैंक के हैं। मैं इसके लिए नागरिक सहकारी बैंक के संचालक मंडल को धन्यवाद दूंगा जिन्होंने इस बैंक के अंदर समाज के अधिकतम लोगों की सक्रिय भागीदारी निभाई। सहकारिता आंदोलन ही सामूहिकता का आंदोलन है और इसीलिए दुनिया के अंदर हम सहकारिता आंदोलन की जब चर्चा करते हैं तो कई दुनिया के देशों के अंदर वहां के आर्थिक और सामाजिक जीवन में परिवर्तन लाने में सहकारी आंदोलन की बहुत बड़ी भूमिका है। इस देश के अंदर भी सहकारिता आंदोलन आजादी के पहले का आंदोलन है। करीब 104 वर्ष से सहकारिता आंदोलन के माध्यम से और उसके पहले भी कई सालों से गांव के अंदर, शहर के अंदर आपस में लोग अपनी अपनी बचत कर इकट्ठा करते हैं और जो सामूहिक पैसा होता है उसको गांव के अंदर, ढाणी के अंदर जो आवश्यकता होती है उस आवश्यकता के अनुसार देने का काम करते हैं। इसीलिए सहकारिता आंदोलन एक ऐसा आंदोलन है जिसने समाज के सामाजिक और आर्थिक जीवन में व्यापक परिवर्तन किया। हम सहकारिता आंदोलन के इतिहास को अगर देखेंगे तो इस देश के अंदर चाहे किसान हो, चाहे मजदूर हो, चाहे दिहाड़ी पर काम करने वाला, फुटपर का काम करने वाला व्यापारी हो, विद्यार्थी हो, महिलाएं हो, मछली पालन करने वाला हो, दूध डेयरी वाला हो, कोई ऐसा क्षेत्र नहीं है जहां सहकारिता के आंदोलन के माध्यम से लोगों के जीवन स्तर में परिवर्तन नहीं आया। और इसी सहकारिता के आंदोलन की नींव ही समाज में सबसे नीचे के तबके के लोगों के जीवन को परिवर्तन करने के लिए, उनके जीवन को आसान करने के लिए। हम देश के अलग अलग क्षेत्रों के अंदर जब सहकारिता आंदोलन की चर्चा करते हैं तो अलग अलग क्षेत्रों के अंदर सहकारिता आंदोलन के माध्यम से उस राज्य में अपने कीर्तिमान हासिल किए हैं। आप गुजरात में चले जाएं तो गुजरात में दूध उत्पादक सहकारी समिति के माध्यम से जहां पशुपालकों के जीवन को परिवर्तन करने का काम किया, आप बंगाल में चले जाएंगे तो बंगाल में मछली पालन उद्योग के माध्यम से लोगों के जीवन परिवर्तन करने का काम किया है। महाराष्ट्र में चल जाए तो किसान हो, छोटे व्यापारी हो, उनके माध्यम से जीवन में परिवर्तन करने का काम किया हो। तमिलनाडु के अंदर चले जाओ तो छोटी बैंक के रूप में
मनी बैंक के रूप में काम करने का एक अपना इतिहास रहा है। आंध्र प्रदेश में चले जाओगे तो आप जितने भी सेक्टर्स हैं, चाहे मछली पालन सेक्टर हो चाहे अन्य सेक्टर, उसमें परिवर्तन आ जाए। अलग अलग राज्यों के अंदर सहकारिता आंदोलन के माध्यम से अपने अपने स्तर पर एक सामाजिक व्यापक परिवर्तन आया है। इसलिए सहकारिता आंदोलन की बहुत बड़ी भूमिका है। भारत सरकार ने भी सहकारिता आंदोलन की भूमिका को देखते हुए एक आजादी के 75 साल बाद सहकारिता विभाग बनाया, ताकि सहकारिता विभाग के माध्यम से हम लोगों के जीवन में बदलाव नहीं ला रहे, हम उसकी आय को बढ़ाने का काम भी कर रहे हैं, उसका सामाजिक स्तर भी बढ़ा रहे हैं, और किस तरीके से कम दर पर सरलता से उसको पैसा मिल जाए, ताकि उसको समय पर अपनी आवश्यकताओं को पूरा कर सके। आज दुनिया के अंदर सबसे बड़ा एग्रीकल्चर सेक्टर भारत का है। कृषि के क्षेत्र के अंदर 67% लोग हमारे कृषि पर आधारित हैं। तो कई विकसित देशों के आर्थिक और सामाजिक जीवन में भी परिवर्तन आया, वहां का सामाजिक और आर्थिक ढांचा चरमरा गया, लेकिन भारत में हमारे किसानों के कारण आर्थिक और सामाजिक ढांचे को मजबूत किया तो किसान ने किया। एक किसान का बेटा अगर शहर में काम करता था, दुकान बंद हो गई, छोटा व्यापार बंद हो गया, काम धंधा बंद हो गया, तो सीधा शहर से गांव में गया और उसको गांव में दो टाइम की रोटी का इंतजाम। यही हमारी ताकत पूरे विश्व में बता दी कि हमारे कृषि प्रधान देश के कारण हमारा सामाजिक और आर्थिक ढांचा चरमराया नहीं। और इसीलिए आज आप देख रहे होंगे कि जिस कोऑपरेटिव सेक्टर के अंदर किसी जमाने के अंदर किसान को 22% ग्राम सेवा सहकारी के माध्यम से ऋण दिया जाता, आज अधिकतम देशों प्रदेशों के अंदर 0% पर लोगों को ग्राम सेवा सहकारी के माध्यम से किसानी काम करने के लिए ऋण दिया जाता। अब नाबार्ड के माध्यम से गांव के अंदर कृषि आधारित उद्योग लगे, गोडाउन बने, ताकि हम किसान को और आत्मनिर्भर बना सकें और कृषि के माध्यम से उसकी आजीविका भी कर सकें और आमदनी भी बढ़ा सकें। ये काम देश के अंदर व्यापक रूप से हो रहा है। इसी तरीके से आप डेयरी सेक्टर में चले जाओ, डेयरी सेक्टर के अंदर भी अमूल ने एक कीर्तिमान हासिल किया। एक उदाहरण है किस तरीके से छोटे छोटे पशुपालक अपने दूध को 1 किलो 2 किलो दूध को उस कोऑपरेटिव के माध्यम से बेचकर देश नहीं दुनिया के अंदर आज अमूल ने अपनी डेयरी का काम किया। महिलाओं के सेल्फ हेल्प ग्रुप के रूप में आज देश के अंदर सबसे ज्यादा जिसके अंदर 32,000 करोड़ से ज्यादा महिलाएं अप्रत्यक्ष रूप से सहकारिता आंदोलन से जुड़ी हुई है। आप देख लें सेल्फ हेल्प ग्रुप के माध्यम से कई गांव ढाणी के अंदर महिलाओं ने सहकारिता आंदोलन को खड़ा किया और उस बचत के माध्यम से उन्होंने वहां पर छोटे छोटे व्यापार उद्योग कर महिलाओं को आत्मनिर्भर बनाने का काम किया। ऐसे कई उदाहरण है देश के अंदर जहां महिलाओं को आत्मनिर्भर बनाने का काम किया तो सहकारिता आंदोलन के माध्यम से किया। हम अगर हर सेक्टर को आत्मनिर्भर बना सकते हैं, भारत को अगर आत्मनिर्भर बना सकते हैं, तो भारत को आत्मनिर्भर बनाने के अंदर सबसे ज्यादा अगर योगदान है तो सहकारिता आंदोलन का है। और इसीलिए आज सहकारिता आंदोलन की महत्ता है। मैं नागरिक सहकारी बैंक के सभी संचालक मंडलों को, सदस्यों को धन्यवाद देता हूं, इनसे जुड़े हुए सभी सदस्यों को भी धन्यवाद देता हूं।
जिन्होंने अपनी बचत को यहां पर नागरिक सहकारी बैंक में जमा कराया और जिसको आवश्यकता जिस तरीके की आवश्यकता हुई नागरिक सहकारी बैंक ने त्वरित रूप से उसको ऋण देने का काम किया। इन कोऑपरेटिव सेक्टर के अंदर हमें एक व्यापक बदलाव करने की आवश्यकता है। व्यापक बदलाव का हमें अलग अलग सेक्टर के अंदर, जैसे किस तरीके से हम छोटे ठेले चलाने वाले, रिक्शे चलाने वाले, छोटे काम करने वाले लोगों को 10,000 से लेकर 50,000 रुपए तक का ऋण देकर कैसे उसका आत्मनिर्भर बनाना। एक उदाहरण मैं आपको देना चाहता हूं कि जब आप एक फल ठेले वाले से जाके पूछोगे तो फल ठेले वालों को अगर आपने 20,000 रुपए का ऋण दे दिया तो वो रोजाना 200-300 रुपए कमाकर अपने पैरों पे खड़ा हो सकता है। ऐसे इसी तरीके से हमें आत्मनिर्भर भारत का प्रोजेक्ट अगर शुरू करना होगा तो हम सहकारिता आंदोलन को उन सबसे गरीब तबके के, सबसे नीचे तबके को आसान और सरलता से ऋण देना पड़ेगा ताकि अपनी दो टाइम की रोटी का इंतजाम कर सके। अगर वो हो सकता है तो सहकारिता आंदोलन से ही हो सकता है। इसलिए सहकारिता आंदोलन की बहुत बड़ी भूमिका है, इसमें विशेष रूप से बैंक की बहुत बड़ी भूमिका है। जब आवश्यकता हो सरलता से त्वरित गति से ऋण मिले ताकि वो अपनी आवश्यकताओं की पूरी कर सके और छोटे उद्योग व्यापार वगैरह खोलकर दो टाइम की रोटी का आजीविका का इंतजाम भी कर सके। इस मौके पर मैं संचालक मंडल और इसके सभी सदस्यों को विशेष रूप से बहुत बहुत धन्यवाद दूंगा जो इसमें सक्रिय रूप से भागीदारी निभा रहे हैं। जय सहकार।